हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वर आला म्यूजिक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को राग भीमपलासी पर आधारित कुछ विशेष स्वर संगतियां बताने वाला हूं। और यदि आपने ये विशेष स्वर संगतियां राग का चलन और राग का रूप दर्शाती हैं, इनको यदि आपने सीख लिया तो ये समझ लीजिए फिर आप इस राग पर आधारित कुछ भी बजा सकते हैं, कोई सी भी सरगम बजा सकते हैं। आपके सामने कोई भजन आएगा तो आप उसके बीच में बड़े आराम से म्यूजिकल फ्रेजेज बजा करके एक म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं खुद का। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि मेरा हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, मेरा स्केल पहली काली है सी शार्प, यहां से मैं बता रहा हूं। राग भीमपलासी ठाट काफी का एक राग है। इस राग के आरोह में नी स ग म प नी स, आरोह में ऋषभ और धैवत वर्ज रहेगा। अवरोह के समय सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जाति अड़प संपूर्ण मानी जाती है। इस राग का वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षड्ज है। गायन समय दिन का तीसरा प्रहर। आरोह अवरोह देखें एक बार। नी स ग म प नी स, स नी द प म ग रे स। इस राग में गंधार और निषाद कोमल प्रयोग किया जाता है, अन्य सभी स्वर शुद्ध रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आरोह अवरोह हो गया। नी स ग म प नी स, यारो अवरो स नी द प म ग रे स। पकड़ देखे राग की। नी स म म प ग म ग रे स। इस राग में न्यास के स्वर षड्ज, मध्यम और पंचम। अभी मैं आपको 10 विशेष स्वर संगतियां बताऊंगा, इनको आप जरूर सीख लें। पहली स्वर संगति देखें। स नी स ग रे स, स नी स ग रे स। दूसरी स्वर संगति नी द प म प नी स, नी स ग रे स। तीसरी स्वर संगति नी स ग म प, चौथी स्वर संगति ग म प नी द प, पांचवी स्वर संगति ध प म प ग म,
छठवीं स्वर संगति नी सा ग म ग रे सा, सातवीं स्वर संगति प नि स नि ध प, और नौवीं स्वर संगति देख, स्वर संगति देखें नौ नंबर ग म प नि प नि स, और दस नंबर की स्वर संगति नि स ग र स, और ग्यारह नंबर नि स म ग र स, और बारह नंबर स्वर संगति है सारे सारे सा नी दा पा। अब आपको 12 स्वर संगतियां मैंने बता दिया है और इनको आप याद करें, अपने ध्यान में रखें और जब जरूरत पड़ेगी तो आपके बहुत काम आएंगी। ये कि आप गीत भजनों के बीच में आप कोई सा भी म्यूजिक फ्रेज जब ये विशेष स्वर संगत स्वर यानी कि राग का चलन ही पता नहीं होगा आपको तो क्या बजाएंगे। देखिए राग का चलन पता होने के बाद बहुत कुछ बजा सकते हैं आप। जैसे देखना सा नी सा ग रे सा नी धा पा सा नी सा ग रे सा नी सा ग म प ग म प नि द प ध प म प ग म ग म प नि प नि सा नी सा ग रे सा नी सा नि सा म ग रे सा सा रे सा रे सा नि द प। आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी राग को बजाने में। अब मैं अगर कोई इस पर धुन बजाना चाहूं तो कैसे बजाऊंगा नी सा ग रे सा नी धा पा मा पा नी सा ग रे सा, एक फ्रेज ये हो गया, ये स्थाई हो गया नी सा ग रे सा नी धा पा मा पा नी सा ग रे सा। और भी फ्रेज जोड़ दें ग म प नि प नि सा ग रे सा नि सा म ग रे सा सा रे सा रे सा नी धा पा ग म प म ग रे सा। इस तरह से आप कई धुन बना सकते हैं अपने लेवल पर यदि आपने ये सब सीख लिया तो। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, अगले किसी वीडियो में और किसी राग पर आधारित आपको स्वर संगतियां बताऊंगा और आपके बहुत काम आएंगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लिखें कमेंट्स में। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।